गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेरिस। हाँ, और पेरिस में हमारा डे टू स्टार्ट हो चुका है और भी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट किया मैकडोनल्ड से, हमने कहा कुछ तो खाएं ताकि एनर्जी आए, और हम निकल पड़े हैं आइफल टावर देखने के लिए दिन के व्यू में, और काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोट किया सेम ब्रांड्स हैं साथ, न्यूयॉर्कर भी, मतलब जो जर्मनी में भी थी ना, न्यूयॉर्कर हो गया, एक्शन हो गया, वो करेंसी भी सेम ही है, और काफ़ी लोगों को यहाँ पे इंग्लिश आती होती है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा कि आप उनसे आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई रास्ता वगैरह पूछना है, कुछ पूछना है, कोई डे टिकट के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, और अभी भी जस्ट हमने डे टिकट भी ले लिया, क्या प्राइस पड़ी उसके में? 10 यूरो का डे टिकट है आप जोन 1-3 का। हाँ, ये चीप पड़ता है। हमारे पीछे है पैंथियन जो कि एक मोनोमेंट है और चर्च भी है, और इसकी काफी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, और यहाँ पर जो है काफी फोटो सेशन चल रहे हैं, और इसमें डांस टीम भी यहाँ फोटो सेशन चल रहे हैं, और काफी लोग यहाँ पे ना पिक्चर्स लेने के लिए आए हुए हैं। आई थिंक आइफल टावर के बाद मोस्ट विजिटेड प्लेस तो नहीं है ये कहीं। हाँ, मैं भी शायद मैं भी, लेकिन काफी फेमस प्लेस है और काफी इसी तो काफी देखिए रश काफी नजर आ रहा होगा आपको बैग से अगर आप देखें तो। अभी आज क्योंकि देखिए आज आई थिंक सैटरडे है ना, तो अभी लोग सुबह हुई है ऑलमोस्ट, हमारी पहली प्लेस है, अभी ऐसे से रश होना शुरू होगी, सो देखते हैं नेक्स्ट प्लेस कहाँ पे जाते हैं। और ये जो है पेरिस का हिस्टोरिक लैंडमार्क भी है, और काफ़ी यहाँ पे ना काफ़ी लोग लगता है सारी आबादी ने यहीं पे आ गई, इतने पिक्चर्स ले रहे हैं लोग, और डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में कुछ समझ नहीं आ रहा है किस, और इतनी जगह है ना यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर आप जरा हम घूमते हैं ना तो पूरा वो भरा हुआ चारों तरफ ना बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, मतलब कहते हैं यहाँ एक पिक्चर यहाँ दो यहाँ दो, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है। गुची सब आपको सब आपकी पूरी जेबें जो है ना आपको यहाँ पे आके खाली होंगी शॉपिंग करके, और ये ना फ्रेगनेंसेस परफ्यूम्स के लिए बहुत फेमस है पेरिस। सो जिस तरह कराची जो है ना बिजलियों का शहर है ना, उसी तरह जो रोशनियों का शहर है ना, उसी तरह पेरिस जो है ना वो खुशबुओं का शहर है। और अभी हमें पता चला है कि पेरिस के लोग पेट्स से भी बहुत एफिलिएटेड हैं, क्योंकि इस शहर में 3 लाख कुत्ते पाए जाते हैं, और हर 7 बंदों के बाद ना एक डॉग आता है, मतलब 7 बंदों के इक्वल एक डॉग है, इतने नाम पे हैं, और ये इतना ख्याल करते हैं, इतना प्यार करते हैं उनसे कि अलग से उनके लिए मसाज और स्पा सेशंस भी अरेंज करते हैं, तो मतलब देखें सोचें कि क्या क्या मजे हैं उनके। इसीलिए जगह नहीं मिल रही। समझ आई कि फ्रांस में इतना कोरोना क्यों फैल रहा है ना, समझ आ गई क्योंकि इतने लोग हैं ट्रांस में, बसेस में, शॉपिंग सेंटर सब जगह नहीं है, सच में वो शॉपिंग खुली शॉपिंग हो रही है, मे बी वीकेंड की वजह से, पर फिर भी काफी कोई इतनी एहतियात वगैरह नहीं चल रही यहाँ पे।
never seen anybody do the things you do before. They say, move funny, move funny, move funny, yeah. When you don't, I make you do it all again. तो इतनी पिक्चर्स ले देकर अभी ना इसका दिल नहीं भरा, कहता है वो चौथी पकड़ के पिक्चर नहीं ली। तो देखे अभी ऐसा होता तो बताता कि पिक्चर कैसे लेते हैं। नहीं आज ऐसा हमें नहीं है, वो पाकिस्तान चला गया कल, मतलब वो पाकिस्तान चला गया। सो अगर वो होता ना वाकई वो दीवाना है इन चीज़ों का और पिक्चर्स का भी मतलब, और लेकिन काफ़ी मज़ा आता है। अब पेरिस आकर अगर आप आईफिल टावर के साथ पिक्चर नहीं ली तो क्या खाकर आईफिल टावर आए। और इतना बड़ा सिटी है ना पेरिस की, हमें सिर्फ तीन जोन्स की टिकट ली थी एक डे की, और वो तीन जोन्स भी हमसे कवर नहीं हुए। आई थिंक पाँच या छः हैं, साथ पाँच जोन्स हैं। सो देखिए कितना बड़ा सिटी है, और आप स्कूटी में भी ट्रैवल कर सकते हैं आराम, जस्ट आप स्कैन करें और ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं और आप आराम से जहाँ लेके चले जाएँ उसको। तो गाइस आईफिल टावर के पास हमें काफ़ी पाकिस्तानी इंडियन भी नज़र आए, और एक हमें पाकिस्तानी का नज़र आया, उन्होंने हमें ये भी गिफ्ट किए कीचेंस पेरिस के जो कीचेंस बने हुए हैं, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि आपने अरसलान मतलब चोरी से बच के रहना है, कि आपके पास चीज़ें संभाल के रखनी है, क्योंकि आपने देखा भी कितनी रश है यहाँ पर, तो कुछ भी चोरी हो सकती है, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और कुछ मिलने से फिर आप ऐसे अगर वहाँ घूम गया तो। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में सबसे पहले जो है पेरिस स्ट्रीट लाइट्स को मुझे करवाया था। ओह अच्छा, मुझे ना असल में इतनी हिस्ट्री का पता नहीं होता, मैं जब चीज़ जो सामने आती है देख के बोलती तो मुंह में जो भी आता है, इसी में अरसलान से क्या हिस्ट्री देखा करें, फिर बताया करें कि इस चीज़ के बारे में क्या फेमस है। और अभी जो हमारे पीछे वो नजर आ रहा है आपको आर्क ऑफ ट्रायंप्स, जो कि फेमस मॉन्यूमेंट है ना पेरिस का, और इसमें 284 स्टेयर्स हैं और आप ऊपर टॉप तक जा सकते हैं और लिफ्ट भी अवेलेबल है। और मुझे ना पूरे वैसे पेरिस की नाइट लाइफ बहुत पसंद आई, मतलब इतनी रौनक है अभी पीछे आप देख रहे होंगे, मतलब इतनी ट्रैफिक है ना अभी भी, और मुझे जो ना नाइट वो व्यू ज़्यादा पसंद आया आईफिल टावर का ना सर, नाइट में लाइट चमक रहा था और कितना खूबसूरत लग रहा था, मैंने वीडियोज़ बनाई ऐड की भी आप देख सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपने पर्सनल चॉइस है, किसी को डे व्यू पसंद आता है, किसी को नाइट व्यू, सारे व्यूज़ देखे हैं कि हमने। ये लास्ट टाइम व्यू है आईफिल टावर का, हर एंगल से हमने इसको देखा, और इतनी दफा आईफिल टावर आए पर इसकी हिस्ट्री नहीं बताई आप लोगों को। हाँ हिस्ट्री जरूरी है। तो 1889 में जो वर्ल्ड फेयर हुआ था पेरिस में, उस वक्त बुस्टर एफिल की जो कंपनी थी उसके नाम पर ये डेडिकेटेड है, उसने ये आईफिल टावर बनाया था, और उसी कंपनी ने जो है यूएसए में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो यूएसए को एज ए गिफ्ट दिया था कुछ साल पहले, तो ये उसके नाम पे बेस्ड है बेसिकली गुस्टर एफिल। देखें हम स्पेशली आए इसको देखने के लिए थे, बहुत मज़ा आया, लेकिन पूरा मतलब दो दिन का ट्रिप था,
मेरा तो अभी ज़रा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी लियोन अपने रिलेटिव्स खाला से मिलने के लिए, उनकी फैमिली रहती है वहाँ पर लियोन में। सो ये लोग वापस जा रहे हैं कल, इनकी कल की फ़्लाइट है। और ये तुम लोग ब्ला ब्ला के थ्रू जा रहे हो ना, सो ब्ला ब्ला क्या चीज़ है? ब्ला ब्ला भी जैसे कोई अपनी कार पर जा रहा है तो वो आपको ऑफर करता है कि मेरे पास सीट है तो आप मेरे साथ जा सकते हो। और ये काफ़ी चीप पड़ता है, मतलब अब ये लोग आई थिंक सिक्स बर्लिन से मैग्डेबुर्ग जा रहे हैं, आई थिंक 7 to 8 euro पर पर्सन। वैसे इनको जो टिकट पड़ी थी वो 15 euro पर पर्सन थी ना, सो ये काफ़ी चीप ऑप्शन है। मतलब लेकिन ये रिलायबल नहीं है, मतलब अगर हाँ आप पहले से पे कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी गारंटी हो जाती है। लेकिन अगर आप कैश नहीं देते और अगर वो बंदा ना आया उस वक्त तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त टिकट भी आपको महंगी पड़ती फ्लाइट में। हाँ फिर ये रिस्क नहीं है ना, अब आपसे भी इनकी फ्लाइट नहीं है, ये बर्लिन पहुँच गए फ्लाइट से तो फिर आगे ही कर सकते हैं। और मैं जाऊँगा फ्लिक्स बस के थ्रू लियोन, सो देखते हैं अगले वीडियो कब बनेगी। सो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। हनार सान काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा हमें दो दिन हमारे अच्छे गुजरे, मतलब कल की रात और आज के दिन पता नहीं चला टाइम का। सीरियसली ताहा के साथ थोड़ा सा हो गया मसला आईफोन का, लेकिन आप लोगों ने तसल्लियाँ देनी है इसको कि फ़ोन तो आते जाते रहेंगे, स्टारबक्स अपनी जगह। सो तब तक के लिए यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल व्हिच इज इमरान सीम, एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। बाय बाय।